नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, बलिया बलिया एआईएमआईएम पार्टी के कार्यालय सिकंदरपुर का उद्घाटन। प्रदेश संयुक्त सचिव व बलिया मऊ गाजीपुर के चुनाव प्रभारी मोहम्मद शमीम खान व जिला अध्यक्ष बलिया राकेश कुमार गुप्ता के हाथों संपन्न हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश सचिव बलिया मऊ गाजीपुर के चुनाव प्रभारी मोहम्मद शमीम खान ने कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। निकाय चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और फतेह का झंडा गाड़ेगी। जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि कोई भी पार्टी गरीब, शोषित, वंचित की आवाज़ नहीं उठा रही है। पूरे देश में अगर कोई गरीबों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों की बात कर रहा है तो केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी मोहम्मद नसीम खान, प्रमुख जिला महासचिव महताब आलम, जिला सचिव खुर्शीद अहमद, विधानसभा प्रभारी गुलाम अहमद रजा, मास्टर इस्लाम खान, इम्तियाज़ अहमद, कमरुद्दीन अहमद, मोहम्मद बदरुद्दीन अंसारी, इमरान अंसारी, सगीर आलम, परवेज आलम, हामिद रजा, राम कुमार राजभर, त्रिभुवन राम इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ खान व संचालन विधानसभा सचिव मोहम्मद। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। मैं मोहम्मद शमीम खान, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का प्रदेश संयुक्त सचिव और बलिया मऊ गाजीपुर का चुनाव प्रभारी। आज इस जगह पे किस तरह का कार्यक्रम किया गया? आज यहाँ पर सिकंदरपुर विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का कैंप कार्यालय हमारे जिला के सचिव जनाब खुर्शीद अहमद साहब के आवास पर खोला गया है, जिसमें हमारे नौ मनोनीत जिला अध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता जी, हमारे जिले के संगठन प्रभारी नसीम अहमद साहब, हमारे जिले के प्रमुख महासचिव महताब साहब, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आसिफ साहब और गुलाम अहमद रजा साहब हमारे बीच में, जिनकी मौजूदगी में आज यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यहाँ पर कुछ काफ़ी मानिंद लोग जो तादाद में आज हमारी पार्टी के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की विचारधारा के साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इन्होंने वादा किया है कि आगामी चुनाव में पार्टी का पूरी तरह से साथ देंगे और यहाँ पर झंडा फहराने का काम करेंगे।